तहसील के पीठासीन अधिकारियों तथा प्रथम मतदान अधिकारियों के लिए कल पहले दौर का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए प्रतिभागियों से इस अवसर का लाभ उठाने और अपनी भूमिका तथा जिम्मेदारियों के बारे में भलीभांति जानने का आग्रह किया। उन्होंने आशा प्रकट की कि चुनाव कर्मी स्वतंत्र निष्पक्ष एवं सुचारू चुनाव में सहायक होंगे। राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षण व नोडल अधिकारी सोम नायडू ने पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से चुनाव 2014 का सम्मान सामान्य परिचय, मतदान दलों के गठन, मतदान सामग्रियों की प्राप्ति, सामग्रियों की जांच तथा प्राप्ति, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच तथा प्राप्ति, मतदान केंद्र की स्थापना, मतदान की शुरुआत के अलावा क्या करें और क्या नहीं करें के बारे में बताया। उन्होंने भारत के निर्वाचन आयोग के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारियों तथा प्रथम मतदान अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल का आग्रह किया। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव सामग्रियां जारी किए जाने से एक दिन पहले मतदान केंद्रों की संख्या पर नाम दिए जाएंगे। नेताजी स्टेडियम में पोस्टर तथा फरारगंज तहसील की मतदान सामग्रियां वितरित की जाएगी। नोडल अधिकारी ने मतदान अधिकारियों की शंकाओं को भी दूर किया। दोपहर बाद के सत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व प्रशिक्षण पीठासीन व मतदान अधिकारियों की भूमिका एवं कर्तव्य के बारे में फिल्म भी दिखाई गई।